भाई के टांग में आकर क्रैम्प, उन्होंने फिर गिर गया। बताता हूँ आपको, देखो मैं निकला कैसे और पहले क्यों नहीं निकल पाया। देखो उस बैठ पे आ गया, पीछे मत जाओ। मार्केट में नाम होगा पड़ा है, देखो मैं ऐसे जाऊंगा ना नीचे, ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे सुपरस्टार आ गया हूँ। इस पहाड़ के पीछे ही इधर से जाके यहाँ टेम्पल है, मगर मैं वहां तक नहीं जा रहा क्योंकि कपड़े खा रहे गीले, बड़ी मुश्किल से जाऊंगा नीचे, खाने में चला गया था नीचे, वो आपने वीडियो में देख रहे हुआ, बड़ी मुश्किल से चल सके निकल के आऊँ। वहाँ चलते हैं, उसमें फोन लगा तेज, इसमें बढ़ेगी से अच्छा बोले नीचे चलते फाफड़। चलो जय बोले बाबा की। ये लगा लो यहाँ से कम 100-150 फुट नीचे चला गया था मैं, मगर इस जूते के चक्कर में इसने वो चा तो लिया भाई। अब चल रहे नीचे क्योंकि स्नोफॉल हो गया, मंदिर तक तो नहीं पहुंच पाया मैं, अगर मेरा जूता नीचे नहीं गिरता था मैं मंदिर तक शायद पहुंच पाता, अब स्नोफॉल हो गया है तो अब तो जा नहीं सकता। कहा हूँ भाई अपनी, अब देखो आगे का रास्ता कैसा है, आगे का कैसा है। चलो काफी नीचे आ चुके हैं, ये ट्रैक है। अब यहाँ पर ना चल चल के ना इसमें हार्ड हो गया है तो इसलिए पैर भी स्लिप कर रहा है। लाइव रेस्क्यू हो गया हम आज, 100-150 फुट नीचे स्नो में से खाई में से। ये ट्रैक की कंडीशन है, ये साली ब्लैक आइस बन गया, पैसे चल चल के ना, और यहाँ पे भाई फिसल रहे हैं, भाई के टांग में आकर क्रैम्प, उन्होंने फिर गिर गया लाइव। मैं यही दिखा रहा था कि ये 4 बार गिर चुका है, अब 5वीं बार कहीं उन्हें दिखाते फिर गिर गया। एडी गार्ड के चल, एडी जल्दी जल्दी आ जा। तो मैं आज को मिलाता हूँ आपको अपनी रेस्क्यू टीम से, ये भी मेरी रेस्क्यू टीम। इन भाई का जूता था, इन भाई का ग्लास था, किसी का कुछ था, मेरे पास किसी का कुछ, सब नीचे फेंक दिया कि इस बंदे को नीचे से खींच ले, ऊपर निकाल ले। भाई जब भी तुम ना जिस जगह में आओ पूरे प्रोटेक्शन के साथ आओ, ट्रैक छोड़ो कहीं मत, ट्रैक मत छोड़ो बस, ट्रैक मुझे अभी तक बोले बाबा ने बचा ही रखा है। नीचे भी चला गया तो 100-150 फुट नीचे चला गया, फिर भी बचा लिया खड़ी चढ़ान पे। चलो देखते हैं अब क्या होगा, चलते हैं नीचे, इसमें तो बहुत ज्यादा है यार, ट्रैक पे फिसल रहे हैं। मोनू भाई तो लाइव गिरे हैं, पूरा पूरा मन था, मतलब उम्मीद थी कि अब तो हेलीकॉप्टर खींच पाएगा, पर हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ेगा कि मैं चढ़ नहीं पा रहा था। मैंने कोशिश क्या करी, गलत करी, मैं बताता हूँ आपको। देखो मैं निकला कैसे और पहले क्यों नहीं निकल पाया, पहले मैं कोशिश कर रहा था ना खड़ी चढ़ाई पे एकदम सीधे चढ़ने की, 90 डिग्री एंगल जैसे मैंने चेतरा वैसे ही ऊपर चढ़ने की, अब वही मैं गलती कर रहा था। अब वो मैं जैसे ही आगे चढ़ने के लिए पैर रखता ना, मेरी हाइट के बराबर में पूरा स्नो में चला गया अंदर, ठीक है। अब जब यार इतना स्नो में चला गया, ये सब पैर बर्फ में जम गए, पूरे फंस गए बर्फ के अंदर, लॉक हो गए बर्फ के अंदर, तो कैसे निकलूंगा, निकलने का कोई चांस नहीं था। फिर पैर मतलब हिला ही नहीं पा रहा था मैं, फिर मैंने हाथों से बर्फ हटाई अपनी कमर के आसपास की, चारों तरफ की हटा के कमर तक की हटाई, फिर घुटने तक की हटाई, फिर पैर ऊपर नीचे मार के स्नो को वहां पे स्ट्रांग करा, फिर मैं वहां से निकल पाया। फिर मैं सीधा नहीं चला, 90 डिग्री एंगल, फिर मैंने ऐसे करा बिल्कुल तिरछा एकदम, मतलब 90 का लगा लो 10-15 डिग्री के एंगल की तरफ ऐसे सीधा ऊपर जाना, भी मैं भी गिर जाता, ऊपर जाने की जगह ऐसे गया मैं, जैसे सीधा यूं मैं यूं गया, बिल्कुल टेढ़ा 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 टेढ़ा, और लेट लेट के सुनो के ऊपर ऐसे जैसे दलदल से बाहर निकलते ना,
ऐसे बाहर निकला भाई। इससे अच्छा तो ये होता कि मैंने जूता छोड़ देता फोन करके, नीचे तो कोई किसी से बुला देता कि भाई मेरे लिए शूज लिया दूसरा। बट मैंने कहा सोचा नहीं कि यार कौन नीचे से आएगा मेरे लिए शूज लेके स्पेशल। मैंने कहा जितनी ट्रैक पे स्नो है उन्हें शायद इतनी स्नो होगी उधर भी, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा वापस, क्योंकि ट्रैक पे स्नो थी ज्यादा नहीं उतनी ऊपर से ज्यादा थी, वहां पे थी करीबन 4.5 फुट, पहले 5 फुट से कम कम थी, 4 से 5 के बीच में इतनी स्नो थी। तो मैं इतनी स्नो पर निकल ही जाऊंगा 4-5 फुट की स्नो में, मगर दिक्कत ये सीधी सीढ़ी खड़ी थी और नीचे थी वहां पे ऊपर से बर्फ गिर गिर के जो नीचे आ रही थी ना वो एवलांच जोन था, वहां पे रखी थी 10-12 फुट बर्फ, जहां पे मैं खड़ा था ना बर्फ लेट करके वहां पे भी ऐसे अपनी डंडी डाली सीधी और नीचे बर्फ में सीधी डंडी अंदर चली गई और बर्फ की डंडी में भी 4.5 फुट की 4 फुट की डंडी थी वो अंदर चली गई, मतलब जहां मैं 6 फुट में बर्फ में खड़ा हूँ और नीचे 4 फुट 10 फुट बर्फ हो गई थी, उससे नीचे भी थी शायद, इतनी ज्यादा स्नो थी वहां पे। निकल के आ गए मगर मोनू चंडीला गुजर डेरी अभिषेक चंडीला, मोनू नहीं अभिषेक चंडीला, दे दे क्या रहा मैंने पिछला भाई फिसलते फिसलते सफर पूरा करते हुए आए भी अभी नीचे का सफर बहुत बचा है। हाँ तो अरे उदया बुग्या लागे ना यार, इधर तो अपन बोल रहे थे मैं तो जाने के लिए, देख वो उधर बंदे घूम के आए तो कह रहे कोई नहीं जाएगा देख उधर, और मैं तो तेरा भाई खाई में से कूद गया वापस, मेरे तो टेंशन नहीं मतलब ऑलमोस्ट नीचे आ चुके हैं जो अपना बुग्याल था ना भी जाते टाइम, देखो यारा यहाँ पे आ चुके हैं, इसमें प्रॉपर है स्नो में फंसने का एक्सपीरियंस ले लिया, कोई फंस जाए तो मुझे पूछ सकता है मैं बता दूं कैसे निकलना अपन मौत को ऐसे टच करके वापस आ सकता, कट से कहते हाँ ऐसे कहते टच से, कट से टच करके मौत को टच करके वापस आ सकता अपन, तो अपन आज मौत को टच करके वापस आया। अभी ये व्लॉग देख के मेरे घर वाले मेरे को गाली देंगे, ठीक है थोड़े 2-4 फ्रेंड है वो भी गाली बकेंगे, ये मरने से आता है क्या कर रहा है, जूते के लिए मर रहा था, अरे जूते के लिए नहीं मर रहा था भाई, बिना जूते के चलता कैसे, स्नो में चलता कैसे बिना जूते के, एक कदम रिस्क पाता ठंड से मर जाता, इसलिए कहा था। अब ये नहीं पता था कि फंस जाऊंगा, पता होता था फंस जाऊंगा तो जूता नीचे से फोन करके मंगा लेता। ये रहा बुग्याल, ये लास्ट व्यू है यहाँ से भाई माउंटेन्स का, स्नो माउंटेन्स का लाइक हिमालयन रेंज, और अब चल रहे हम नीचे, वो देखो वो दुकान टूटी है, वो ये दुकान टूटी है, यहाँ पे इसने एवलांच आया था तो सब तोड़ दिया उसने। चलो भाई चलते नीचे, बुग्याल को करते हैं बाय बाय। अब भाई यहाँ बन गई प्रॉपर ब्लैक आइस, ये देखो यहाँ पे फिसल रहे बुरी तरह, ये मैंने पैसे सुन उठाई थी धूप निकलने से साफ हो गया, इसीलिए मैं डराते हुए था कि आने वाले बंदों को धूप से जैसी बर्फ मिलेगी तो बिल्कुल साफ मिलेगा, बैठ पाएंगे हम नहीं बैठ पा रहे, कोई तो बैठ पाएंगे। गिर गया भाई गिर गया, मैं भी गिर गया, रिकॉर्ड टूट गया आज, बहुत ज्यादा सुबला का ऐसे भाई बहुत ज्यादा, देखो वो ना वो स्लोप था जैसे पैर रखने थे फट से गिर गया, बहुत बुरा गिरा। ये है प्रॉपर जंगल देखो, ब्लैक आइस जमी है बुरी तरीके से, मैं भी गिर गया भाई अभी पीछे एकदम से पूरा नीचे गिर गया, टिक गया नीचे एकदम। अब चलेंगे फ्रेश स्नो में ताकि दोबारा ना गिरे। मोनू भाई जहां तुम चल रहे हो ना ट्रैक खत्म है, एकदम से गड्ढे में पैर जाएगा, पैर वैर टूट जाएगा मुड़ जाएगा, इधर चलो इधर इस तरफ राइट में, राइट वाली फ्रेश स्नो में चलो। हाँ क्योंकि ट्रैक बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, 5-6 फुट ही चौड़ा, बस 5 फुट और इधर तक ट्रैक है तो फिर भाई उधर तो होगी नहीं। इसमें ना जितना अच्छा लगता है ना फोटो वीडियो में या देखने में उतनी खतरनाक भी है, जान ले लेती कई बार तो। हाँ कई बहुत मरे हैं यार स्नो में ना फंस के, लोग कोई फंस गया कोई गिर गया, कोई गाड़ी गिर गई खाई में स्लिप हो गए, जैसे भी थार वालों की गिर थी ऐसे, खाने पीने की बहुत दिक्कत हो, खाने पीने की दिक्कत, पानी जम जाता है भाई, पानी नहीं मिलता, लाइट की दिक्कत हो जाती है। आगे निकलने देना
हाँ वो पानी जम गया था, उसमें बैग के अंदर डाला जब पिंगला हो, बाहर तो जम गया था। तो ट्रैक खत्म होने वाला है, नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे स्नो कम हो गई है भाई। मैं बहुत पसंद हूँ, फिर गिर गया। मैं बोल रहा हूँ फ्रेश स्नो में चलो जहाँ हम चल रहे हैं, मगर तुम मानेंगे थोड़ी ना। फ्रेश स्नो से स्लिप हुआ हूँ, फ्रेश से नहीं हुआ है, किसी कीमत पे नहीं हो सकता फ्रेश से। यहाँ पैर रखा, यहाँ आके रुका, ऐसे रखा था भाई। फ्रेश स्नो में नहीं गिरते, झूठ मत बोलो यार। देखो भाई आपको बहुत सारी जनता देख रही है यूट्यूब पे, ये पैर तो मैं रख रहा हूँ, वो तो फिर देखो मैं भी दिखाता हूँ आप कहाँ से फिसले। आगे आओ, पीछे मत जाओ, पीछे मत जाओ। आपका स्लिप होने का निशान देखो, ये रहा, देखो दोस्तों, ये रहा, यहाँ से स्लिप हुआ भाई और यहाँ गिरा है, और कह रहा मैं उधर से स्लिप हुआ, इधर गिरा हूँ। चलो भाई चलो, अब जनता बताएगी कमेंट में भाई कैसे गिरा है। यार पहाड़ों में ना गंदगी मत क्या करो, बहुत ज्यादा गंदगी करते हैं यार लोग, कूड़ा छोड़ जाते हैं, मतलब उल्टी सीधी चीजें कर देते हैं। ना यार क्या कर रहे हो भाई, पहाड़ों की खूबसूरती को क्यों खराब कर रहे हो? यही वैसी सेंसिटिव एरिया होते हैं यार बहुत, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो यहाँ पे बहुत जल्दी दिल्ली नहीं इतना नहीं बर्दाश्त होगा, था खराब हो जाएगी सब चीजें, मत किया करो। दिल से बुरा लगता है भाई, दिल्ली में तो हर गली में झाड़ू वाले आते हैं, जितने भी शहरों में लोग रहते हैं हर शहर में हर सड़क पे झाड़ू लगती है गलियों में भाई। यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ कोई झाड़ू वाला नहीं आता, लाइट भी नहीं है भाई, यहाँ लाइट में कुछ नहीं है, कोई सफाई वाला नहीं आता। तो रिक्वेस्ट है यार प्लीज गंदगी मत क्या करो पहाड़ों में, अपना कचरा लाओ। खाने के लिए तो तुम उठा के ला सकते हो ना, कोई भी चीज पीने के लिए तो तुम उसको खाली करके खाने के बाद लेके भी जा सकते हो, उसको अपने हाथ में जेब में बैग में कहीं भी रखो, कपड़ों में ठूसो और उसको नीचे वापस ले आके कूड़ेदान में डालो, ठीक है? इधर नहीं फेंकना यार, किसी ने आपको कूट दूंगा पकड़ के, मैंने किसी को फेंकते देख लिया तो फिर बोलोगे साला यूट्यूब वाले दो, उसमें यूट्यूबरों में घमंड होता है, घमंड आ जाता है यूट्यूबरों को। तुम भाई ऐसे काम मत करो कि तुम्हें कोई मारे। मैं तो चल रहा हूँ फ्रेश स्नो में, क्यों एक बार गिर गया कल आ गई है, अब नहीं जाऊंगा, तो अब नहीं जाऊंगा। जय टूना बाबा की जय बोलेगी, थैंक यू बोले बाबा बचाने के लिए। ये देखो कोई कोई गलत जगह पैर रख देता है, क्या होता है कितनी गहरी है। यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रैक खत्म है, फिर भी उसने कोने में पैर रखा और शायद पैर में मूछ भी होगी, बिल्कुल गड्ढे में पैर चला गया एकदम। तो इसमें भी बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। आप कैसे रेस्क्यू करने के लिए सोच रहे थे मेरे बारे में, क्या क्या मेहनत कर रहे थे आप यहाँ पे, अपनी मेहनत बताओ। मेहनत तो बहुत करी भाई, अपने यूट्यूबर को बचाने के लिए आप क्या कर रहे थे? पुलिस को फोन करा, एम्बुलेंस को फोन करा, एयर एम्बुलेंस को फोन करा, रेस्क्यू वालों को फोन करा, और उसको करा आपदा जो होती है उसको करा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में फोन करा, यहाँ पे कमिश्नर को फोन करा, भाई सबको फोन कर लिया, 30-35 लोगों को फोन कर लिया, सबको एक ही बात बोली भाई हेलीकॉप्टर चाहिए हेलीकॉप्टर। उन्होंने बोला कि जब तक रेस्क्यू टीम निकल चुकी थी, उन्होंने बोला रेस्क्यू टीम निकल गई, हुकूक लेके वो हम निकाल लेंगे। मैंने बोला भाई नहीं निकलेगा बंदा बिना, उसको हेलीकॉप्टर ही चाहिए। फिर उसने मुझे एक नंबर दिया, फिर वो नंबर मैंने सेव करा, उसने मुझे नंबर दिया वहाँ का देहरादून का, उसने बोला देहरादून से वो मंगाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर, और पैसे आपको देने पड़ेंगे। मतलब उसने बोला कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे मौसम बदल गया था और बारिश वो होने वाली थी, स्नोफॉल शुरू हो गई थी। तो मैंने देहरादून में फोन करा था हेलीकॉप्टर के लिए, उसके फोन पे बात ही हो रही थी, इतने में फोन आ गया, मैंने उठाया, तुमने बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया, मैं निकल गया। मैंने ठीक है भाई, फिर मैंने उसको मना कर दिया, पैसे बच गया हेलीकॉप्टर के। तो भाई निकालना तो था ही, पैसे तो कमा लेंगे यार, पैसे बच गया दया भाई के हेलीकॉप्टर के, नहीं तो दया भाई के हेलीकॉप्टर में 10-20,000-50,000 पता नहीं कितने लगते हैं। मार्केट में हंगामा हुआ पड़ा है, देखो मैं ऐसे जाऊंगा ना नीचे, ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे सुपरस्टार आ गया हो, सब मेरे को ढूंढेंगे, वो बंदा कहाँ है, वो बंदा कहाँ है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नो प्लास्टिक जोन, फिर भी यार यहाँ लोग प्लास्टिक लेके जाते हैं, पता है अभी यहाँ पे है नहीं ऑफिसर, क्योंकि मंदिर बंद है, मंदिर खुला तो यहाँ पे ऑफिसर बैठे रहते हैं, चेकिंग करते हैं कि कोई वो ना लेके जाए, खुद तो बच गया है प्लास्टिक लेके जाए। अरे भाई क्या हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यार यहाँ गंदगी मत करो, है पहले बाद में बोलना, पहले चल लो खाना वाना खाना यार, खाना वाना खाते, सूप बनाएंगे आज अमित भाई के, आपका सूप पिएंगे, दया भाई सूप बहुत बढ़िया बनाते हैं। लोग करते हैं नेक्स्ट लेवल एडवेंचर, एक्सट्रीम एडवेंचर, अल्ट्रा प्रो मैक्स एडवेंचर, तुम्हारे भाई ने किया सीधा लीजेंड वाला एडवेंचर किया, जो लीजेंड करते हैं
वो वाला एडवेंचर के जिसमें जान हद तक आ गई थी मतलब अल्ट्रा प्रो वगैरह सब ये सब एडवेंचर जो मतलब करते हैं ना बंदे, वह एडवेंचर सब पीछे रह गया था। तुम्हारा भाई करके आया एडवेंचर से कमेंट में बेस्ट विशेष लिख दिया यार मेरे लिए कुछ, ताकि मैं ऐसी जगह ऐसी गलतियां ना करूं और ना फंसा करूं। बिल्कुल नीचे आ चुके एकदम लास्ट पॉइंट पे और ये एंट्री है, यहाँ पे आ चुके हैं। तो लास्ट टाइम एक बार और बोलेंगे जय तुंगनाथ बाबा की जय, बोले बाबा की। आर्मी वाले पसार तो देते हैं लेकिन मारते बहुत।